हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं साबूदाना पापड़ी कैसे बनाया जाए। ये साबूदाना पापड़ी बनाने की रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट्स की रेसिपी है। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स या सामग्री सिर्फ साबूदाना और नमक की ज़रूरत है, बाकी इसमें कोई भी और इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपका आपको ये पसंद आए तो, और आपके लिए ईजीली हेल्पफुल रहे तो। तो अब हम शुरू करेंगे साबूदाना पापड़ी बनाना। तो साबूदाना पापड़ी बनाने के लिए हमें साबूदाना भिगो के लेना है। इसको हमने साबूदाना को रात भर भिगो के लिया है। इससे इसमें पानी डाल के इसको आप देख सकते हैं ये भिगोया गया है। और रात भर भिगोने के बाद इसका कुछ टेक्सचर आप इस तरह प्रकार से देख सकते हैं कि सॉफ्ट है, ये ऐसे टूट जाता है। तो इतना ऐसा टेक्सचर हो जाए और ये सूख जाए, इसमें ज़्यादा पानी ना हो, सूख जाए, तो ये रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। नमक अभी इतने एक बाउल साबुदाने के लिए कुछ आधा चम्मच नमक की ज़रूरत है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालने वाले हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने आधा चम्मच नमक डाल लिया है इसमें। और इसको अब हम ये इडली बैटर में स्टीमर में डालने वाले हैं। देखेंगे साबूदाने में हमने नमक डाल के सिर्फ मिक्स कर लिया है, ये सूखा ही है वैसा ही। नमक थोड़ा ही डालिए, आधा चम्मच। उसके बाद हमने इडली कुकर लेने वाले हैं स्टीमर के तौर पर। तो इस इडली कुकर का पात्र जो प्लेट्स होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसमें हम ये 5 का प्लेट है, तो एक साथ आप देखेंगे 5 × 4 मतलब 5 × 5 मतलब 5 × 4 मतलब इसमें 20 पापड़े एक साथ हो जाएंगे। तो हमने इस प्रकार ये स्टीमर पर लगा लिया है। इस पर आप देखेंगे तो पानी कुछ थोड़ा सा ही है, एकदम बॉटम में उतना सा पानी की ज़रूरत है। और अब हम इसमें प्लेट्स लगा देंगे। प्लेट्स लगाने के लिए आपको याद रखना है कि ये पापड़ी जब आप डालेंगे तो कुछ इस प्रकार सिर्फ डालनी है और ये ज़्यादा हिले ना। इसको आप थोड़ा सा एक लेयर ही आए, डबल लेयर ना हो, सो दैट ये अच्छे से निकले। इस प्रकार सिर्फ आप गोल गोल ये डाल के लीजिए। तो अब हम इसको डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे कि हमने ये प्लेट में साबूदाना पापड़ी लगा लिया है। अब इसको हम इडली कुकर में डाल देंगे। बाकी के प्लेट्स हमने डाले हुए हैं, तो अभी हम इसमें ये प्लेट लगा के इसको कवर कर लेंगे। अब इसको हमें स्टीम करना है कुछ 5 से 10 मिनट तक। एक बार ये स्टीम हो जाए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, वो आप ओपन करके देख सकते हो। तो हमने स्टीमर के लिए लगा लिया है। तो अब 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये साबूदाना पापड़ी स्टीम हो चुकी है। हमने स्टीम इडली कुकर बंद किया है और इस प्रकार से आप देखेंगे इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, थोड़ा सा पानी कलर हो गया है। तो इस प्रकार से ये जब रेडी हो जाए तो अब हमें इसको साइड साइड से हल्के तरीके से निकाल लेना है और इसको सुखाने के लिए धूप में रख देना है। तो अब जब ये निकालेंगे तो एकदम पतली तरीके से इसको साइड साइड से निकाल लीजिए, हाथ से ही निकल जाएगा ये। इसको छुरी की लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे इस प्रकार से ये पापड़ी रेडी हो चुकी है। इसका कलर कुछ पानी कलर हो जाएगा। तो हमको इसको सुखाने के लिए एक प्लास्टिक पे या प्लेट में रख देंगे। तो अभी हम प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने ये साबूदाना पापड़ी को प्लेट में निकाल लिया है। तो बाकी भी हम पापड़ी ऐसी प्रकार से निकाल के इसको धूप में सुखाने के लिए एक दिन तक रख लीजिए। जब सूखेगा, सुखाने रखेंगे आप, तो दोपहर को जब सूप होगा तब एक बार इसको पलट लेना, मतलब दोनों साइड से ये सेक जाएगा। और जब सेक लिएगा तब उसके बाद ये रेडी है तलने के लिए। तो आप शैलो फ्राई करके तो या डीप फ्राई करके इसको तल के खा सकते हैं। इस पर आप स्वाद अनुसार नमक या लाल तीखा डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। तो ये हमने रेसिपी देखी, कुछ 5 मिनट्स में ये पापड़ तैयार हो जाते हैं। और ये पापड़ जो बनते हैं ये आप साल भर के लिए यूज़ के लिए रख सकते हैं। इसको आप कभी भी खा सकते हैं। ये स्टोरेज पर्पज़ के लिए भी यूज़फुल है। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है और आपको बनाने के लिए भी काफ़ी ईजी है। आपको स्वाद अनुसार आप इसमें तिल डाल सकते हैं या जीरे डाल सकते हैं, बट वैसे भी बिना कुछ ऐड किए भी एकदम स्वादिष्ट बनते हैं ये। तो अब हम इसको धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अभी हम देखेंगे जो हमने साबूदाना पापड़ी हमने ड्राई हो गया है वो हम थोड़े तेल में डाल के इसको फ्राई करके लेंगे। तो तलते वक्त ज़रा संभाल के रहना क्योंकि ये
पानी से बाहर फूल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने साबूदाना पापड़ी तल लिया है और इस तरीके से एकदम सफेद और दूध की तरह सफेद दिखती है ये। आप इसको थोड़ा सा नमक और मिर्ची पाउडर डाल के खा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं हमने साबूदाना पापड़ी तल के लिया है और इधर प्लेट में रख दिया है। तो इतना बारीकी से एकदम देखे तो एकदम सफ़ेद हो गया है और क्रिस्पी हो गया है। अगर आप देखेंगे इसको तोड़ के तो एकदम क्रिस्पी है और इसका कलर भी एकदम फ्लफी, एकदम वाइट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आइटम करने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ 5 मिनट की रेसिपी है बनाने के लिए। और अगर एक दिन सुखा दे तो ये स्टोरेज के लिए भी यूज़ हो सकता है, बच्चों को भी पसंद है खाने के लिए। और इस प्रकार से आप इसको ज़रूर लाइक करना और ट्राई करके मुझे बताना। थैंक यू। और इसके साथ भी ये पापड़, साबूदाना पापड़ फास्ट के लिए भी काफ़ी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ साबूदाना और नमक है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसमें ऑयल भी कम लगता है। तो आप देखेंगे हमने बहुत ही कम ऑयल पे ये तल के लिया है। अगर आपके पास फ्रायर है तो आप बिना ऑयल के भी इसको तल सकते हैं और एकदम टेस्टी बन जाता है ये। तो आप प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये पसंद आए ये रेसिपी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।